लहर है वो भाजपा की है और भाजपा ही इस समय काम कर भी रही है। और धामी जी एक यंग मतलब अच्छे नेता हैं और उनका ध्यान है प्रदेश की तरफ, मुझे लगता है कि वो कुछ अच्छा करेंगे। जितने भी काम हैं जो बिचौलिए थे वो खत्म कर दिए गए हैं, आज के टाइम पर ऑनलाइन पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो उससे जो है जनता को काफी राहत है और हम आगे भी चाहते हैं कि ऐसा काम होता रहे और नेता ऐसा हो कि जो हम लोगों की बात को डायरेक्ट सरकार तक पहुंचा सके। उत्तराखंड में जल्दी विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जो है सभी जो राजनीतिक दल है वो जनता के बीच जा रहे हैं। आज हम हल्द्वानी विधानसभा में मौजूद है, हमारे साथ कुछ युवा साथी है, इनसे जानते हैं कि सर क्या नाम है और किस तरीके से, अगर हल्द्वानी विधानसभा की अगर बात करूं, किस तरीके से विकास कार्य हुए हैं, नहीं हुए हैं, क्या आप चाहते हैं कि आगे किस तरीके से और काम हो। सर मैं हरेंद्र बिष्ट हूँ, टैक्स कंसल्टेंट हूँ, हल्द्वानी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हम बीजेपी के शासनकाल से संतुष्ट हैं और हमारी मूलभूत सुविधाओं से लेके यहाँ सड़कों का सौंदर्यकरण और शहर का सौंदर्यकरण काफी कुछ संतुष्ट है। स्ट्रीट लाइट है और नगर निगम के कार्य बीजेपी शासनकाल से संतुष्ट है। इसके अलावा अगर बात करें तो आने वाले जो समय है उसमें किसको वोट देने जाएंगे या किस तरीके का आप चाहते हैं कि किस तरीके का जो यहाँ से एक नेता चुन करके जाए ताकि वो जो हल्द्वानी की विधानसभा जो है उसकी समस्याएं आगे सुन सके। देखिए जो हम जो जिसे भी चुनना चाहेंगे वो हम हमारे व्यवहारिक रूप से हमारे संपर्क में होना चाहिए, जो हमारी बात को प्रत्यक्ष रूप से सरकार के सामने रखे। तो हमारे अभी इस समय में हम बीजेपी शासनकाल से संतुष्ट हैं और हम वहीं देंगे। सर क्या नाम है आपका? कुलदीप शर्मा। सर जिस तरीके से चुनाव है जल्दी, क्या चाहते हैं कि किस तरीके की सरकार हो और क्या जो हल्द्वानी की अगर विधानसभा की बात करूं, किस तरीके से आपको लगता है क्या काम हुए हैं, क्या विकास कार्य हुए हैं, क्या नहीं हुए, कितने आप संतुष्ट हैं? नहीं, विकास कार्य तो है, जो गली मोहल्ले में सड़कें नहीं थी, रोड पड़ी हैं, मुखानी चौराहे से आगे जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह इनकी वो सब लग गई हैं, बाकी काम सब अच्छे हुए हैं बीजेपी गवर्नमेंट में। तो हम चाहते हैं कि आगे भी हमारा वही सरकार आए जो हल्द्वानी समस्याओं को समझे और उसका विकास। ऐसी कोई परेशानियां भी है विधानसभा के अंदर, अगर कोई जो समस्याएं नहीं सॉल्व हो पाई सरकारों में पिछली या अब आगे क्या किस तरीके से? नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो भी है फिलहाल हम इससे बीजेपी से संतुष्ट हैं, हम चाहते हैं कि आगे गवर्नमेंट बीजेपी की ही बने। देखिए जो वर्तमान सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है और विकास कार्य पर काफी जोर दिया जा रहा है अभी, जैसे सड़कें हैं, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट है या फिर जितने भी काम हैं जो बिचौलिए थे वो खत्म कर दिए गए हैं, आज के टाइम पर ऑनलाइन पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो उससे जो है जनता को काफी राहत है और हम आगे भी चाहते हैं कि ऐसा काम होता रहे और नेता ऐसा हो कि जो हम लोगों की बात को डायरेक्ट सरकार तक पहुंचा सके। क्या लगता है आपको कि हल्द्वानी की अगर बात करें, किस तरीके से विकास कार्य हुए, सड़कों के जो काम है या फिर अन्य जो और चीजें हैं, किस तरीके से समस्याएं दिखती हैं? सर सरकार ने वैसे काम तो काफी किए हुए हैं, जिस पर एक हमारा भी जैसे वर्क है जो DSC प्रैक्टिशनर का वर्क है वो काफी बढ़ावा मिला है। जैसे कि इस समय पे जो मेन दिक्कत है सरकार की या फिर हम युवा की वो है बेरोजगारी, तो इस संदर्भ में सरकार ने बड़ा अच्छा हमें एक अवसर दिया है कि हम अपनी बेरोजगारी या फिर अपने जो खुद के बेस पे जो हमारी प्रैक्टिस है और जो हमारी योग्यता है उसको साबित कर सकें और GST की प्रैक्टिस करने के साथ साथ हम अन्य प्रकार की भी सेवाएं का उपलब्ध कर पा रहे हैं। मेरा नाम दिलीप कुमार कपूर है, मैं स्टेट बैंक से रिटायर हो चुका हूँ। सर अगर हल्द्वानी विधानसभा की बात करें, क्या ऐसी समस्याएं हैं या क्या किस तरीके से सरकारों के द्वारा लगातार काम किए जा रहे हैं, क्या मानते हैं आपका जो अपना विचार है वो किस तरीके से? बस मेन जो पर्पस होता है शहर के लिए, लाइट की व्यवस्था सही रहे, सड़कें ठीक ठाक रहें और ट्रैफिक रूल्स का पालन हो, जहां पर इंक्रोचमेंट है वो सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए, इनको हटाए ताकि जो है आम आदमी को परेशानी ना हो। सर आप लंबे समय से हल्द्वानी में रहते हैं? मैं पहले ही हल्द्वानी में हूँ। तो हल्द्वानी की अगर मुख्य समस्याओं की बात करें तो किस तरीके से, क्या सरकारों ने सॉल्व किया नहीं किया, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस की सरकार भी रही है और बीजेपी की भी सरकार रही है, दोनों ही विधायक भी यहां रहे हैं हल्द्वानी में, कांग्रेस भी और भाजपा भी, आप किस तरीके से उसको देखते? कांग्रेस का टाइम भी था जब उन्होंने काम किया, लेकिन अभी इस समय जो लहर है वो भाजपा की है और भाजपा ही इस समय काम कर भी रही है। और धामी जी एक यंग मतलब अच्छे नेता हैं और उनका ध्यान है प्रदेश की तरफ, मुझे लगता है कि वो कुछ अच्छा करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ हल्द्वानी विधानसभा से
कुछ साथी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हल्द्वानी में काम हुए हैं। कुछ लोग खुश हैं और चाहते हैं कि इसी तरीके से जो युवाओं के लिए सरकार काम कर सके। कहीं ना कहीं हल्द्वानी विधानसभा में लोग खुश भी हैं और कुछ जो समस्याएं हैं उनको आगे सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। राहुल सिंह, उत्तराखंड तक।